अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी थ्योरी की। चलो नेक्स्ट, जैसा कि हमने बात किया था हेक्सर ओलिन थ्योरी, अब हेक्सर ओलिन थ्योरी जो है वो सारे के सारे जितने भी अभी तक आपने थ्योरीज पढ़ी उन सबको डिस्कार्ड करते हुए एक नई थ्योरी ला दी गई जी, जिसका नाम क्या दिया गया, हेक्सर ओलिन थ्योरी। हेक्सर ओलिन थ्योरी ना बहुत सारी चीजों को लेके चलती थी। अभी तक की जितनी भी थ्योरी स्टूडेंट्स आपने पढ़ी वो बहुत सिंपल मॉडल पे बेस्ड थी। उन्हें बहुत एज्यूम कर लिया कि तुम्हारे पास लेबर है, तुम्हारे पास कैपिटल है, तुम ये बना सकते हो, तुम वो बना सकते हो, और जो तुम सस्ता बना लो उसको कर लो। हेक्सर ओलिन ने एक जो मॉडल दिया, एक तरीके से कहा जाएगा स्टूडेंट ज्यादा रियलिस्टिक जो मॉडल था, मोर रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो हेक्सर ओलिन थ्योरी के अंदर देखा गया। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट जो हेक्सर ओलिन थ्योरी थी, इनका कहना, इनका मानना ये था कि आप क्या करेंगे, आप सिंपली बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हो इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले। इट्स नॉट जस्ट कि मेरे पास लेबर कितना है, मैं अपना काम चला लूं, मेरे क्लाइमेटिक कंडीशंस मैटर करती हैं, मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर करते हैं, मेरी कंट्री डेवलप्ड है या मेरी कंट्री डेवलपिंग है, ये मैटर करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप कह सकते हो कि ये थ्योरी ने एक ज्यादा रियलिस्टिक, मोर वाइड पिक्चर और ज्यादा एंगल्स को इंक्लूड करने के बाद अपनी एनालिसिस की। अभी तक की जो हमने थ्योरीज पढ़ी बड़ी स्टैटिक सी थी कि मतलब अजम्पशन ले लो कि दो ही ट्रेड है, ठीक है, दो ही नेशन है, दो ही गुड्स बना रहे हैं, लेबर एक जैसी है, तो बहुत ज्यादा मतलब अजम्पशन जो कि बहुत अनरियलिस्टिक थी। लेकिन हेक्सर ओलिन के अंदर ज्यादातर जो चीजों को इंक्लूड किया गया वो कहती है रियलिस्टिक। तो जस्ट अ मोमेंट, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, अब इन्होंने क्या कहा, द बेसिस ऑफ ट्रेड वेदर इंटरनल और इंटरनेशनल लाइज इन द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, अ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज नेसेसरी एंड जस्टिफाइड एज अगेंस्ट दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट बर्टल ओलिन हैड डिफरेंट व्यू। ही आर्ग्यूड दैट फंडामेंटली इंटर रीजनल लोकल और डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिजेंबल्ड ईच अदर, देयरफॉर द टाइप ऑफ एनालिसिस एप्लीकेबल टू ट्रेड बिटवीन रीजन विद इन अ कंट्री कुड बी यूज आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टू पुट इन हिज ओन वर्ड्स, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रीजनल ट्रेड। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट गिवन बाय ओलिन, वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट्स। दिस विल हेल्प इन गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चलो अब जो मेन है, क्या क्या इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल जब ट्रेड की थ्योरीज बनाई जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रेड जब किया जाएगा, तो कुछ चीजें जो मैटर करती हैं, जैसे कि फर्स्टली क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस डिफर वाइडली अमंग रीजन्स एंड कंट्रीज। वो कह रहे कि अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ज्योग्राफिकल, जो आपको याद होगा जब हम अपने इनिशियल टॉपिक्स को पढ़ रहे थे तब हमने इन्हीं चीजों की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश हैज फेवरेबल क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट, ब्राजील फॉर कॉपर, इजिप्ट फॉर राइस एंड कॉटन एंड सो ऑन, राइट। सेकेंडली ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, सम रेसेस आर फिजिकली स्टडी वाइल अदर्स आर इंटेलेक्चुअली अलर्ट, सम पोजेस सुपर मैनुअल डेक्सटरिटी एंड स्किल वाइल अदर एक्सेल इन एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। वो कह रहे हैं कि आप देखो क्या है कि जो लोग हैं वो भी अलग अलग हैं, कुछ लोग अलग हैं, कुछ लोग अलग हैं, किसी की अलग तरीके, जैसे अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अगर आप जीन्स देखोगे लोगों के, तो बहुत मस्कुलर है, वो फिजिकल काम को करने के लिए ज्यादा केपेबल है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम अगर ईस्टर्न का एशियन कंट्रीज की बात करेंगे, तो वहां पे लोग शायद फिजिकली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, लेकिन वो मेंटल काम करने के लिए बहुत ज्यादा आगे हैं। लेकिन अगर हम वही फ्रांस, इटली जैसे देशों की बात करेंगे, तो ये जो दे कंट्रीज हैं, ये लोग मैनेजमेंट जैसी चीजों के अंदर बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो इसी बेसिस पे आगे क्या कहा है, थर्डली
देयर डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड सप्लाई ऑफ कैपिटल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि कंट्रीज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हर कंट्री ने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से क्या कर रखा है, अपने पास जो कैपिटल स्टॉक है मतलब मशीनरी का स्टॉक है वो एक्यूमुलेट कर रखा है. द डिफरेंसेस कॉन्स्टिट्यूट मेन रीजन फॉर इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल यूके एंड यूएसए have huge supplies of fixed and mobile capital in the form of railways, buildings, machinery and other infrastructural facilities. On the other hand, underdeveloped countries of Asia and Africa have low stocks of capital goods. Okay, there are also differences in the kinds of goods accumulated in different countries. To quote example, UK has well equipped industrial plants, while Malaysia has accumulated capital goods primarily designed to handle rubber and tin. तो अब आप समझे कि हर कंट्री ने अपने अकॉर्डिंगली क्या कर रखा है, अपने अकॉर्डिंगली कैपिटल स्टॉक्स को इकट्ठा कर रखा है. जिसके पास जितना है जैसा है उसके अकॉर्डिंग है. तो भाई अगर किसी के पास कुछ और कैपिटल गुड्स है, कुछ और कैपिटल गुड्स है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी लेके आएंगे, एक नया डायमेंशन लेके आएंगे कि आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या नहीं. ओके okay. Fourthly, there are differences in the proportions between different types of resources in different countries. For instance, Australia has vast plains, but a few people and little capital goods. That is why it well suits to specialize in those commodities like wheat, wool, meat. क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेन्स तो बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज की है कि उसके पास लोग भी कम है और कैपिटल भी बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, आइसोलेटेड सा तो है बिल्कुल कोने में बैठ करके. तो वो कह रहे हैं ऐसे केस में उनके लिए ठीक क्या रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा कि वो क्या करे प्रोडक्शन, वीट और मूल वूल मीट जो भी चीजें हैं. ठीक है, जिनके अंदर क्या करेंगे, जिनके अंदर लैंड ज्यादा चाहिए लेकिन लेबर कैपिटल कम चाहिए. ऑन द कॉन्ट्रेरी इंग्लैंड हैज प्लेंटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज बट वेरी लिटल ऑफ लैंड, हेंस इट स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी चीपली. सो व्हेन ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स वीट मीट wool etc, it indirectly exports factors in abundant supply, right? By importing manufactured goods, it indirectly imports factors in scarce supply. मतलब जो तुम्हारे पास factors abundant supply में है तुम उसे export कर लो. वही जो इन्होंने starting में बोला कि factor endowment के basis पे हम देखेंगे, और जो तुम्हारे पास कम supply में है मतलब तुम्हारे पास कम चीज है उसको तुम import कर लो. अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना, क्योंकि इस चीज को मैं यहीं पे highlight कर रहा हूँ क्योंकि बाद में ये आएगा. इन्होंने पहले ही इस बात को हाईलाइट कर दिया कि सप्लाई सप्लाई, जबकि मार्केट के अंदर स्टूडेंट जो ट्रेड होता है वो ट्रेड का एक बहुत बड़ा जो बेसिस होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, डिमांड साइड. डिमांड साइड अभी तक आई नहीं है. ठीक है, तो जब वो आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी स्टूडेंट, क्रिटिसिज्म लेके आएगी. चलो, ओलिन दस कंक्लूड्स दैट द इमीडिएट कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज that goods can be bought cheaper from outside in terms of money that they can be produced at home. ये तो हम बिल्कुल starting की जितनी भी theories पढ़ी है उनसे हम लगातार ये बात पढ़ते हैं, तो इसमें मेरे को लगता नहीं समझाया जैसा कुछ है. In other words, the immediate cause of trade in goods is to be found in the price differences. As the prices of goods in a country depend upon the forces of demand and supply, the relative prices of goods all will be identical if the factors of production are available. अगर वो कह रहे कि prices कब same होंगे, जब दोनों जगह फैक्टर सेम होंगे, कंडीशंस जो डिमांड एंड गुड्स है कि है वो सब कुछ सेम होंगी, और जो सप्लाई है वो भी क्या रहेगी, एक ही लेवल में बैलेंस, तो सप्लाई सेम रहेंगे. चलो आगे बात करते हैं. इन प्रैक्टिस दीज कंडीशंस मे नॉट बी फुलफिल एंड देयर मे बी गैप्स इन रिलेटिव फैक्टर सप्लाईज एज वेल एज डिमांड. कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी डिफरेंसेस इन रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस एंड हेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस. वो कह के देखो हो सकता है रियल वर्ल्ड के अंदर जो रिलेटिव जो सप्लाईज की बात वो कर रहा है वो उसमें गैप हो, मतलब सप्लाई कुछ और हो रही हो, डिमांड कुछ और हो रहा हो, तो ये जो गैप्स है इन गैप्स की वजह से जो प्राइसेस है उनमें फर्क पड़ेगा. पर्टिकुलरली इट इज प्रैक्टिकली इनकंसीवेबल दैट द डिमांड फॉर गुड्स इन द टू रीजन्स विल बी द सेम, which will exactly offset the differences in the supply of factors of production. Therefore, it is basically the difference in the relative scarcities of the productive factors, that is the supply of factors of production in relation to demand. First condition rather than the two other. It is necessary condition to the opening of trade between the region. Thus, the immediate cause of intergenerational regional trade is the difference in the commodity prices in the two regions. वो कह रहा है कि इसी की वजह से क्या होगा कि जो prices का differences आएगा वो आएगा क्योंकि कहीं पे scarcity है और कहीं पे abundance है. तो जहां पे किसी चीज की scarcity रहेगी
ठीक है, उस जगह पे उसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, और जहां पे किसी चीज को अबंडेंस में दिया जाएगा तो वहां पे उस चीज के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, लो, राइट। चलो तो स्टूडेंट वो वही कह रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैड द ट्रेड केप्ट इन प्लेस बिटवीन कंट्रीज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिफरेंस इन द रिलेटिव सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस फैक्ट इंप्लाइज दैट द बायर्स इन द कंट्री शुड बी एबल टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ होम प्रोड्यूस गुड्स with those produced in foreign. For this comparison, either there should be a common currency for the two regions. If there are two currencies, the rate at which one currency will be exchanged for a unit of other currency is required to be known or determined, right? क्योंकि वो कह के देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई तुमने ट्रेड तो कर लिया, ट्रेड करने के लिए तुम्हें इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई मेरे कंट्री में जो प्राइस है वो दूसरी कंट्री में भी वही है। तो अगर मेरी कंट्री का प्राइस और दूसरी कंट्री का जो प्राइस है वो सेम रहेगा तभी तो मैं ट्रेड कर पाऊंगा, अगर सेम नहीं है तो उस केस में मैं ट्रेड नहीं कर सकता, राइट। तो अब वो कह रहा है कि अब ऐसा कब होगा, या तो मुझे उस कंट्री के प्राइसेस के बारे में पता है, और अगर मुझे पता नहीं है तो मुझे एक चीज को अभी ये भी इंश्योर करनी पड़ेगी एट द सेम टाइम स्टूडेंट कि जिस कंट्री के ट्रेड को लेकर के बात की जा रही है, ध्यान से समझना, जिस कंट्री के साथ ट्रेड की बात की जा रही है उसके और मेरी करेंसी सेम हो। करेंसी सेम नहीं है तो रेट ऑफ एक्सचेंज पता होना चाहिए कि भाई इतना डॉलर देकर के इतना रुपया आएगा और इतने डॉलर में वहां पे ये आ रहा है, इतने रुपये में यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये जब सारी चीजें सेम होंगी तब जाके ट्रेड जो है वो क्या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तब जाके वो ट्रेड पॉसिबल आपके पास हो सकते हैं, राइट। तो ये एक मॉडल है। अब आगे वो समझाना ये चाह रहा है कि इस चीज को देखते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है तो ट्रेड कैसे होंगे। तो देखो क्या कह रहा है वो, सपोज इंडिया एंड नेपाल आर द टू regions हैविंग अ कॉमन करेंसी सिस्टम। मान लेते हैं कि इंडिया और नेपाल है, उनके पास दो कंट्रीज अलग हैं, लेकिन उनका करेंसी सिस्टम सेम है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन द regions कंट्रीज प्राइस ऑफ ईच कंट्री विल बी डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव इंटरनल डिमांड्स। वो कह रहे हैं कि मान लो कि ये जो दोनों कंट्री है इनके आपस में ट्रेड कुछ नहीं होता, तो इस केस में अगर ये आपस में ट्रेड नहीं करते तो जो डिमांड है वो किसके बेसिस पे डिटरमिन की जाएगी स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिमांड। जो भी प्राइस सिस्टम आएगा कि आपकी कंट्री में क्या प्राइस क्या डिमांड है उसके बेसिस पे प्राइस होगा। इफ द ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड द डिमांड इन ईच कंट्री इज ब्रॉट डायरेक्टली इनटू कॉन्टैक्ट विद द प्राइस सिस्टम ऑफ अदर कंट्री। वो कह रहे हैं कि मान लो कि अगर ट्रेड सिस्टम को एस्टैब्लिश करे, इफ द ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड द डिमांड इन ईच कंट्री इज ब्रॉट डायरेक्टली इनटू कॉन्टैक्ट विद द प्राइस सिस्टम। आपने क्या किया, ट्रेड स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और जब आपने ट्रेड स्टैब्लिश करने की कोशिश की तो उससे हुआ क्या कि आप क्या कर रहे हो कि जो डिमांड है दोनों कंट्रीज के उनको प्राइस सिस्टम के पास लेके आ रहे हो, ठीक है, ऑफ द अदर कंट्री। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो जो यहां के लोग हैं इंडिया के लोग वो नेपाल से ट्रेड करेंगे, नेपाल के लोग यहां से ट्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उनको ये पता चल जाएगा कि यही पर्टिकुलर गुड नेपाल में सस्ता है तो उससे जो डिमांड है वो उसके टुवर्ड ज्यादा मतलब अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। हे फॉरेन डिमांड विल बी एडेड टू द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द गुड्स ऑफ द रिलेटिव चीप फैक्टर्स। अब जो फॉरेन डिमांड है वो डोमेस्टिक डिमांड के साथ ऐड हो जाएगी, लेकिन जाएगी किसके टुवर्ड्स, वो कोई भी गुड जो सस्ता है उसके टुवर्ड्स वो डिमांड जाने लग जाएगी। सिमिलरली द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द गुड्स ऑफ द रिलेटिवली कॉस्टली फैक्टर्स विल बी शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड होगी प्रोडक्ट्स की जो कि थोड़ी कॉस्टली होगी वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड्स द रिलेटिव प्राइसेस विल बी बिकम डिफरेंट। वो कह रहे हैं क्योंकि एक जगह जो महंगा है लोग उसको छोड़ के उस जगह से खरीदेंगे जो इस जगह पे सस्ता है, इस जगह पे जो सस्ता है ठीक है लोग उस जगह को छोड़ करके इस जगह से खरीदना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि कहीं ना कहीं डिमांड जो रेसिप्रोकल हुई कम ज्यादा प्राइसेस की वजह से तो प्राइसेस क्या करेंगे डिफर, एंड इक्विलिब्रियम विल बी अटेंड when an equal value of goods travels between the two countries। वो कह रहे हैं कि equilibrium तभी आ पाएगा जब क्या होना चाहिए कि quantity दोनों जगह पे same आ जाएंगी, क्योंकि जब quantity same होगी तो automatically prices क्या हो जाएंगे उस चीज के equal हो जाएंगे, right? अब next situation क्या कह रहा है, India Nepal have different countries, तो different currencies है दोनों की। पहले हमने common currency की बात की, अब different currency की बात करते हैं। The difference in the factor prices showed themselves in the form of absolute differences in the goods prices through the exchange rate। वो कह रहे हैं कि जो differences है factor prices के अंदर वो किसकी वजह से आ रहे हैं, absolute differences है, ठीक है। Otherwise it is not possible to know which of the factors cheap or dear in two countries। वो कह रहे हैं कि देखो
अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि एब्सोल्युटली दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सी चीज चीप है कौन सी चीज महंगी है। ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू कंट्रीज इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द फैक्टर प्राइसेस इन नेपाल इनटू इंडियन करेंसी। अब क्योंकि दोनों की करेंसी अलग है, तो आप के कंट्री में लेट्स सपोज क्योंकि नेपाल में है, नेपाल में कोई भी एक ये माउस है, इस माउस का जो भी रेट है, जो भी उनकी नेपाली के जो नेपाली रुपया उसके अंदर जो भी है इसका रेट है, पहले आप उसको कन्वर्ट कर लोगे इंडियन रुपी के अंदर। ठीक है, अल्टीमेटली द जी फैक्टर प्रोडक्ट विल कंस्टिट्यूट द एक्सपोर्ट्स एंड द डीए फैक्टर प्रोडक्ट द इम्पोर्ट ऑफ ईच कंट्री। अब क्योंकि आपने उसको कन्वर्ट कर लिया कि भाई आपको पता चल गया कि वहां पे माउस कितने का है, तो इस केस में क्या होगा, जो चीप चीज होगी जहां से वो उस देश वो देश एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये तो मेरे पास चीप है, तो उससे होगा क्या कि भाई इसको एक्सपोर्ट करो, और जो चीज आपके देश में महंगी पड़ रही है उसे क्या करने लग जाओगे आप, इम्पोर्ट। तो मतलब जब प्राइस डिफरेंसेस करेंसी की वजह से आएंगे तो उसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका डिफाइन हो जाएगा। सो द रेट ऑफ एक्सचेंज शोज विच ऑफ द टू फैक्टर इज चीप इन ईच कंट्री। रेट ऑफ एक्सचेंज शो करेगा कि कौन सा जो फैक्टर है किस कंट्री में सस्ता या महंगा है। However, it is to be noted that the prices of factors are determined by reciprocal demand. Okay, so the rate of exchange is also determined by the same fundamental forces of reciprocal demand and supply. So, जो rate of exchange है, वो भी इसी तरीके से decide किया जाएगा। जैसे एक बात समझने की कोशिश करो, बहुत simple सी बात है। ये real exchange rate वाला कहानी है, तो उससे आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे exchange rate को determine करने का तरीका। मान लो कि एक US dollar जो है, वो इसे अगर आप इस चीज को देखो तो इसे बिग मैक्स थ्योरी कहा जाता है। एक यूएस डॉलर जो है मान लो कि 2 पाउंड के बराबर है। ठीक है, एक यूएस डॉलर कितने के बराबर है, 2 पाउंड। और मान लेते हैं कि जो एक बर्गर है, कोई भी कॉमन बर्गर, जैसे सपोज मैकडोनल्ड्स का बर्गर, तो मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है वो यूएस में मान लेते हैं $4 का मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यही सेम मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है वो यूरोप में मिल रहा है, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 3.5 या 2.5 यूरो का मिल रहा है। तो यार एक बात सोच के देखो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर प्राइसेस की बात करें तो यूएस जो आपका ये वाला जो केस है, इस वाले केस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो पाउंड की वैल्यू है हाई हो रखी है। क्यों हाई हो रखी है, क्योंकि एक यूएस डॉलर अगर 2 पाउंड के बराबर है तो इसका मतलब है 2 US डॉलर किसके बराबर होने चाहिए, 2 US डॉलर आपके 4 पाउंड के बराबर होने चाहिए। ठीक है, और 4 पाउंड के बराबर और $4 में आपको क्या मिल रहा है, मैकडॉनल्ड का बर्गर, जबकि यहां पे वही मैकडॉनल्ड का बर्गर कितने का मिल रहा है, 2.5 का, तो कम का मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ओवरराइड कर रखा है, तो इसलिए जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो किस तरीके से तय होना चाहिए, वो तय होना चाहिए कि भाई $4 होना चाहिए किसके, $4 शुड बी इक्वल टू 2.5 यूरो। क्यों, क्योंकि मेरे को ये समझना है भाई कि अगर करेंसी में डिफरेंसेस आ रहा है तो दैट इज ओके, लेकिन फिर प्राइसेस में क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, करेंसी डिफर थी वो तो समझ गया मैं, लेकिन प्राइसेस भी डिफर कर दिया अब आपने, तो इस तरीके से प्राइसेस को कंपेयर करके एक रियल एक्सचेंज रेट जो है वो फिर एस्टैब्लिश किया जाता है। चलो अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्रिटिसिज्म। सो अकॉर्डिंग टू ओलिन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज विच इज द बेसिस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट अप्लाई एक्सक्लूसिवली टू इंटरनेशनल ट्रेड। वो क्या है कि जो क्लासिकल थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की जो हमने पहले पढ़ी थी वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में अप्लाई नहीं होती। इन हिज व्यू दिस लेव इज एट द बॉटम ऑफ ऑल ट्रेड्स whether it is specialization and exchange between individuals or region within a country or between countries. In other words, the relative advantage enjoyed by one producer in the production of a good as compared with other. वो कह रहे कि मतलब main जो फायदा है वो किस चीज में है, एक relative advantage के अंदर। ठीक है, मेरे को ये देखना है कि relatively मैं क्या सस्ता बना पा रहा हूं, वो चीज के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। To quote Olin, regions and nations specialize and trade with each other for the same reason that individuals specialize in trade. वो कह रहे हैं कि कंट्री का ट्रेड भी इंडिविजुअल के तरीके से ही होता है कि जिस चीज में मैं स्पेशलाइज हूं मैं फिर उसी चीज को ट्रेड करने की बात सामने से करूंगा। सम आर बेटर फिटेड बाय टेम्परामेंट फॉर वन वर्क रेदर देन अनदर। वो कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में कुछ
वजह से वो चीजें वही लोग बेटर कर पाते, दूसरे लोग बेटर नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के समझो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके जीन्स बहुत डिफरेंट है, और वो जो जीन्स है वो काफी ज्यादा मतलब फिजिकल टास्क को इजीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम उस कंट्री की बात करें तो वहां के लेबर हमें फिजिकल टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी उनकी ज्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ सकती है। ठीक है, द गार्डनर वुड प्रूफ अ पुअर टीचर एंड टीचर अ पुअर डॉक्टर एंड सो ऑन, इवन इफ एवरी इंडिविजुअल वर इक्वली अलाइक इन एबिलिटी, इट वुड पे टू कह रहे होगा क्या। ठीक है, को ऐसा है कि हो सकता है कि भाई डॉक्टर अच्छा टीचर ना बने, टीचर अच्छा गार्डनर ना बने, लेकिन अगर फिर भी अगर वो एक दूसरे जैसे हो गए ना, तो भी कोई भी पर्सन हमेशा स्पेशलाइज्ड पर्सन को पे करेगा। सो दैट इट इज इम्प्रॉपर टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस एज अ बेसिस ऑफ अ स्पेशल थ्योरी टू इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। चलो नेक्स्ट हमने रखा है, पोलिन वॉज द ओपिनियन दैट द जनरल डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस एप्लीकेबल टू इंटर रीजनल ट्रेड कैन बी यूज विद सम चेंजेस वाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू हिम कंट्रीज आर ऑल्सो रीजन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय नेशनल फ्रंटियर्स। हो गया कि कंट्रीज जो है वो रीजन के हिसाब से भी होते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर से अलग करते हैं। अब टैरिफ बैरियर्स होते हैं, देखो बैरियर्स को लेकर के तो आपने सोच रहे नहीं, क्योंकि एक पूरा चैप्टर आपका सिर्फ बैरियर्स के बारे में है कि किस किस तरीके के क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। तो अभी आप समझो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे हम कुछ ना इम्पोज कर देते हैं अमाउंट, टैक्सेशन वगैरह, उन्हें बैरियर्स कहा जाता है। डिफरेंसेज इन लैंग्वेजेस, customs, monetary systems, etc. In practice, however, these differences and obstacles to free flow of trade are not always permanent. वो कह रहे हैं कि अगर इस प्रैक्टिस को देख करके बात की जाए तो ये चीजें परमानेंट नहीं होती, क्योंकि आप समझो अभी आप आगे एक टॉपिक पढ़ोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब से जो भी कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनती है उस केस में उनका टैरिफ सिस्टम ऑलमोस्ट ना के बराबर पहुंच जाता है, राइट। सो फ्रंटियर्स में चेंज एंड टैरिफ वॉल्स कैन कोलैप्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फ्रंटियर्स चेंज हो सकते हैं और टैरिफ वॉल खत्म हो सकती है। दिस रीजन शुड बी आइडेंटिफाइड विद द कंट्रीज एंड इंटर रीजनल ट्रेड मे बी द सेम एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इससे आपको रीजन समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट, द क्लासिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यूड दैट डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज इन द मैटर ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट कैन नॉट बी adduced due to immobility of labor and capital between the countries. That is why they felt that the need for a separate theory of international trade. वो कह रहे कि देखो एक बात समझना पड़ेगा कि आप इस बात को समझो कि कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हो कि लेबर जो इमोबाइल है कि वो एक जगह से दूसरी जगह से नहीं आ सकती, इस चीज को समझो कि ऐसा नहीं है। ओलिन डज नॉट एक्सेप्ट द क्लासिकल अजम्पशन ऑफ इमोबिलिटी फैक्टर्स। वो कह रहे हैं ओलिन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि फैक्टर्स जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, क्योंकि आज आप समझो कि फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ही सेज दैट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन इज बिटवीन कंट्रीज एंड रीजंस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डिग्री ओनली एंड नॉट ऑफ काइंड। वो कह रहे कि उन्होंने बोला था कि भाई जो मूवमेंट हो सकती है लेबर की वो एक एक्सटेंट पे है, बट आज आप समझ रहे हो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। इन हिज व्यू लेबर एंड कैपिटल मूव विद इन अ कंट्री, सो ऑल्सो दे आर मोबाइल दो लेस परफेक्टली बिटवीन द कंट्रीज। मेनी डेवलप कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कैनेडा हैव एक्सपीरियंस्ड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस थ्रू द इनफ्लक्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम यूरोप एंड एशिया। वो कह रहे कि वो जो है कंट्री में ही घूमते हैं, जबकि वो बता रहे कि ऐसा नहीं है कि जो लेबर जो है वो आजकल बहुत जगह घूम रहे। आप आजकल आप कभी यूट्यूब पे चेक करो, दिखा रहे जर्मनी में लेबर शॉर्टेज चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में लेबर शॉर्टेज चल रही है, दुनिया भर में वो लोग लेबर शॉर्टेज को दिखाए जा रहे हैं। तो व्हाट इट शोज कि लेबर कहीं से कहीं भी जा सकते, तो वो डिफरेंसेस भी नहीं आते, राइट। आगे, अकॉर्डिंग टू ओलिन इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट विच डिफरेंशिएट्स इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम इंटरनल ट्रेड एज देयर इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन डोमेस्टिक ट्रेड एज वेल। ओके, ओलिन के अकॉर्डिंग क्या था, इट इज नॉट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को डिफरेंशिएट नहीं किया, उन्होंने कहा क्योंकि डोमेस्टिक में भी आता है इंटरनेशनल में भी आएगा। फर्दर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट करेंसी सिस्टम्स बिटवीन द कंट्रीज विल नॉट लीड टू अ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज द सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कनेक्ट्स दीस करेंसीज टुगेदर। फर्दर मोर द रेट ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी रिफ्लेक्ट्स द परचेजिंग पावर, जो कि मैंने आपको बताया कि परचेजिंग पावर का जो फर्क है वो पता चल जाता है, क्योंकि जब मैं $1 में अपने देश में क्या खरीद रहा हूं, ठीक है,
और पाउंड में मैं दूसरे देश में क्या खरीद रहा हूं। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार अगर वही सेम चीज मेरे कंट्री में $2 में मिल रही है, जो पाउंड 5 पाउंड खर्च करके मेरे को यूरोप में मिल रही है, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं ये बोलूं कि $1 1 पाउंड के बराबर है। तब मैं क्या करूंगा, उनके प्राइसेस को देखूंगा और उनसे डिवीजन करके बिग मैक्स थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या निकालूंगा, रेट को तय कर लूंगा। राइट, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है ये पढ़ते हैं। द हेक्सर ओलिन थ्योरी इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ अजम्पशन आई डिस्कस हियर, लेटर ऑन दीज अजम्पशंस आर रिलैक्स्ड टू ब्रिंग दिस थ्योरी इन लाइन विद एक्चुअल फैक्ट्स। ओके, देखो आपने इतनी अजम्पशंस के साथ थ्योरी को बिल्ड किया, ठीक है, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बाद में इन्हीं को रिलैक्स कर दिया गया। हाउएवर दिस वुड मेक द थ्योरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जितनी ज्यादा अजम्पशंस होंगी उतनी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अजम्पशंस आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड से उतना ही ज्यादा दूर लेता जाता है। तो देखो अजम्पशंस क्या है, टू नेशन से ए एंड बी, टू कमोडिटी से एक्स एंड वाई, एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस अजम्पशन इज मेड इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द थ्योरी विद अ टू डायमेंशनल फिगर, सब कुछ टू टू टू, तो इसीलिए ये दिक्कत है। हाउएवर द रिलैक्सेशन ऑफ दिस अजम्पशन व्हिच इज मोर रियलिस्टिक, दैट इज मोर देन टू नेशंस, मोर देन टू कमोडिटीज एंड मोर देन टू फैक्टर्स, विल लीड द कंक्लूजंस ऑफ थ्योरी बेसिकली अनचेंज्ड। नेक्स्ट, बोथ नेशंस यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। अब अगेन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कंट्रीज के स्टेटस है अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। देखो अगर मैं एक रीसेंट मतलब थ्योरीज के हिसाब से और रीसेंट कॉन्वर्सेशन के हिसाब से बात करूं, तो वर्ल्ड बैंक जैसे जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप्ड जैसे कॉन्सेप्ट्स को बिलीव नहीं करते। सो देयर इज नथिंग लाइक डेवलप्ड, ऐसा डेवलप्ड जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो अगर आज मैं यूएसए को, स्विट्जरलैंड को, लग्जमबर्ग को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, न्यूजीलैंड को डेवलप्ड कैटेगरी में डालता हूं, तो यार ये डेवलप्ड मैंने बोल तो दिया कि हाँ भाई ये कंट्री डेवलप्ड है, इसका मतलब क्या अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ते रहेंगे ना, तो इसलिए डेवलप्ड कह देना एक, अब वो कहते हैं कि गलत बात है। आप सिर्फ ये देखो कि कंट्रीज का जो स्टेटस है उसको डिवाइड करो एचडीआई के बेसिस पे, ठीक है, कि किस कंट्री का जो एचडीआई है वो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो आगे तो फिर अब अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उनकी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी अलग होंगे। एनी डिफरेंस इन द फैक्टर प्राइसेस वुड कंपेल द प्रोड्यूसर टू यूज अ रिलेटिवली चीपर फैक्टर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे फैक्टर प्राइसेस में डिफरेंस है तो मुझे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा उन टेक्नोलॉजी को, जिससे कि मेरे को भी कम में बने सामान। कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव। मान लेते हैं एक्स लेबर इंटेंसिव है और वाई कैपिटल इंटेंसिव है इन बोथ द नेशंस। इन अदर वर्ड द लेबर कैपिटल रेशियो इज हायर फॉर कमोडिटी एक्स देन फॉर कमोडिटी वाई, और कैपिटल लेबर रेशियो इज हायर फॉर कमोडिटी वाई देन द कमोडिटी एक्स, ठीक है। It is important to note here that it does not imply that capital labor ratio of X the same in nation A and nation B. Only the capital labor ratio of X is lower than for Y in both the nations. वो कह रहे कि मतलब देखो जो आप रेशियो निकालोगे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि ये लेबर इंटेंसिव है, तो इसका लेबर टू कैपिटल का रेशियो जो है ज्यादा होगा, क्योंकि लेबर ज्यादा चाहिए, और ये कैपिटल इंटेंसिव है तो उसको कम चाहिए होगा लेबर और कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। तो ये आपको जो था assumption. Next. Both the commodities are homogeneous. हमने ये मान के चला था कि जो दोनों commodities हैं वो क्या है, homogeneous है, and are produced under constant returns to scale in both the nation. वो कह रहे हैं कि देखो आपको ये मानना है कि दोनों commodities homogeneous है और constant returns to scale. मतलब जितना percent input increase किया जाएगा उतना ही percent output increase किया जाएगा, आप ये मान रहे हो। In other words, on increasing the amount of labor and capital, the output is also increased. Obviously बात है, ऐसा नहीं होता कि अगर आप लेबर और कैपिटल को जिस परसेंटेज में इंक्रीज कर रहे हो आपका आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करे, ठीक है। देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन इन बोथ द नेशन, दैट इज इवन विद फ्री ट्रेड द टू नेशंस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज। दिस इंप्लाइज दैट नीदर ऑफ द टू नेशंस इज वेरी स्मॉल, राइट। Tastes are same in both the nation. It implies that the demand preferences reflected in the shape and location of indifference curve are identical. देखो समझ रहे हो ना कि कितनी unrealistic assumptions ले करके इस theory को build किया गया। Existence of perfect competition in both commodities and factor markets in both the nations, that is to say each producer and consumer of commodity X and commodity Y is small enough to affect the market price of these commodities. The same is true for the factor market. Perfect competition also implies that in the long run prices of the commodity will be equal to the cost of production. मतलब आप ये मानो कि मान रहे कि लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो प्राइसेस है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो लीविंग इकोनॉमिक प्रॉफिट आफ्टर ऑल कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है।
नेक्स्ट समय देखो क्या दे रखा है, दिस परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी जिसके बारे में अभी अभी मैं डिस्कशन किया था, विच ईच नेशन बट सो बट नॉट सो इंटरनेशनली, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन वो केवल नेशन में कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते। दिस इज लेबर एंड कैपिटल आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट नॉट फ्रॉम वन नेशन टू अनदर सो फ्रीली। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आएंगी, टैरिफ से नहीं होंगे, और अदर ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विल लीड टू स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। अब वो कह रहे आप ये मान के चलो कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, और भी किसी तरह की कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर या कोई भी रुकावट नहीं है, आपके इंटरनेशनल ट्रेड फ्री फ्लो होंगे। अगेन बात यही आती है कि आप इस बात को समझ सकते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। All the resources are fixed in supply and are fully employed in both the nations. वो कह के जो resources हैं वो fixed हैं, वो बढ़ नहीं सकते, और जितने भी resources हैं तुम पूरे के पूरे इस्तेमाल कर रहे हो। किसी भी nation के लिए impossible है student अपने सारे resources को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना। It is not possible for any of the nation. आप समझ सकते हो। And there is no unemployed resources जो कि possible ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द टू नेशंस इज बैलेंस्ड, दिस मींस दैट द टोटल वैल्यू ऑफ ईच नेशंस एक्सपोर्ट इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ नेशंस इंपोर्ट्स, मतलब जो इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस एक्चुअल सेंस में भी हो रहा है, अकाउंटिंग सेंस में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होता ही है, बट एक्चुअल सेंस में भी बैलेंस हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कोई भी नेशन जितना इंपोर्ट कर रहा है उतना ही एक्सपोर्ट कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके तो इंटरप्रिटेशन क्या आई है, तो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट पब्लिश्ड हिज आर्टिकल टाइटल द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन 1990 व्हिच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट डिड नॉट गेन पॉपुलैरिटी अंटिल बर्टिल ओलिन अनदर स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हु डेवलप्ड इट एंड प्रिंटेड इट इन हिज बुक इंटरनेशनल इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखते हैं क्या आई है, Olin's work incorporated all that of his professor Hexer. Due credit was given for. छोड़ इसको, हम main theory पढ़ते हैं क्या है? The classical comparative cost theory could not provide satisfactory explanation as why comparative cost of producing different commodities differ across different countries and why do production possibility frontiers of various countries refer. Hexer and Olin went deeper into the underlying forces. Which cause differences in comparative cost. वो कह रहे कि देखो क्लासिकल कंपेरेटिव कॉस्ट की जो थ्योरी थी ये एक सैटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं दे पा रही थी कि जो ये कंपेरेटिव कॉस्ट का जो डिफरेंसेस आ रहा है कमोडिटीज के अलग अलग देशों के बीच में वो क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे कि एक्सेल ऑलिन की थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने इस थ्योरी को और डेप्थ में जाके पढ़ने और समझने की कोशिश करी थी। अकॉर्डिंग टू देम प्रोडक्शन फंक्शन वेरीज फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी अकॉर्डिंग टू फैक्टर इंटेंसिटी। वो कह रहे कि अगर इसकी बात करें थ्योरी की तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, कमोडिटी टू कमोडिटी डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ काम करेगा। एज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, शायद मैंने आपको समझाया था थोड़ा बहुत पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने आपको ये समझाया कि कार की डिमांड कम हो गई, अब कार की डिमांड कम होगी, एक नॉर्मल अगर हम इक्विलिब्रियम थ्योरी के हिसाब से बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर जब कार की डिमांड कम हो जाएगी तो कुछ टाइम बाद प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्राइसेस लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को इंस्टिगेट करेंगे जिससे मार्केट अपने आप सेल्फ मैकेनिज्म के बेसिस पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। लेकिन ये तो कार का आया ना, कार की वजह से स्टील की डिमांड कम होगी उसकी तुमने बात ही नहीं करी, कार की वजह से रबर की डिमांड कम होगी तुमने उसकी बात ही नहीं करी, कार की वजह से ग्लास की डिमांड कम होगी तुमने उसकी बात ही नहीं करी, कार की वजह से कहीं ना कहीं जो कार के इंटीरियर बनाने वाली कंपनीज है उनके डिमांड पे फर्क पड़ा, आपने उसकी बात ही नहीं करी, राइट, ठीक है। तो जनरल होता है जब हम पूरी मार्केट के इक्विलिब्रियम को स्टडी करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ देम। क्या जो रिलेटिव प्राइसेस है वो किसकी वजह से डिसाइड होता है कि जो भी डिमांड है या सप्लाई। द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। वो क्या कहेगा, हम रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके बराबर है आपके एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, किसमें, लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव के अंदर।
सो दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस पेड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। वो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, प्राइसेस आप कितना पे कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए। फैक्टर प्राइसेस इन टर्न डिटरमाइन द इनकम ऑफ द फैक्टर सप्लायर्स। जो फैक्टर प्राइसेस आप दे रहे हो, जो आपके लिए प्राइसेस है वो दूसरों के लिए इनकम बन जाएगा एंड हेंस द डिमांड फॉर गुड्स। तो अगर आप फैक्टर प्राइसेस ज्यादा दे रहे हो, आप ऐसे सोच के देखो कि अगर हमारी कंट्री के अंदर एक्चुअली में जो मिनिमम वेज एक्ट है वो ढंग से काम कर जाए और एक्चुअली में कंट्री के अंदर मिनिमम वेज को एक स्टैंडर्ड लेवल पे ला दिया जाए, क्योंकि आज वो 18,000-16,000 के आसपास है। आप भी समझ सकते हो, सुन 18,000-16,000 के अंदर देश में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब फॉरेन कंट्रीज में क्यों ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड हो रही है, क्यों ऑडी, लेम्बोर्गिनी, कोई भी सुपर कार, बड़े बड़े ब्रांड बहुत इजीली वो लोग परचेस करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी तो वहां भी है, लेकिन वहां पे अगर आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड वगैरह होंगे तो उनसे पूछना कि ज्यादातर फॉरेन कंट्री के अंदर मिनिमम वेज एक्ट नाम की चीज है और वो अप्लाई होती है कि आप मिनिमम उस पर्सन को जो काम कर रहा है उसको इतना तो दोगे ही दोगे, तो ये चीज होती है। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से वहां पे इनकम थोड़ी कंपैरेटिवली इंडिया से ज्यादा है, पर पर्सन इनकम थोड़ी इस वजह से भी ज्यादा है। बहुत सारी वजह है, पॉपुलेशन भी वजह है, बट अभी हम फिलहाल इस चीज की बात कर रहे हैं। तो जब क्योंकि प्राइसेस अगर ठीक से पे किए जाएंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएंगी तो डिमांड डिसाइड होगी। दस ट्रेड इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड प्रोडक्टिव फैक्टर। तो तुम कितने का चार्ज कर रहे हो और उसके प्रोडक्टिव फैक्टर्स क्या चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्दर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स डिपेंड ऑन देयर डिमांड। वो कह रहे हैं एक्सचेंज कमोडिटीज का या जो फैक्टर्स है वो डिमांड पे करता है। दिस इज अ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ वैल्यू एक्सप्लेन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल रीजंस एंड कंट्रीज। सो द हेक्सर-ओलिन थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ टू थ्योरम्स। फर्स्ट द हेक्सर-ओलिन थ्योरम विच प्रिडिक्ट्स द पैटर्न ऑफ ट्रेड एज डिस्कस्ड बिलो। सेकंड द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। वो क्या है, हेक्सर-ओलिन थ्योरी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दो थ्योरम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या दिया है, हेक्सर-ओलिन थ्योरम के थ्रू डिफाइन करेंगे जो क्या करेगा, जो ट्रेड के पैटर्न को डिसाइड करेगा जो अभी हम बात करेंगे। और सेकेंड हमें दिया हुआ है प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, इसके साथ हम डिसाइड करेंगे राइट। सो ये दो चीजें हम डिसाइड करेंगे। चलो सुनन, जो अब हेक्सर-ओलिन थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी दोनों की थ्योरीज है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप यहां तक जो भी थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की अच्छे से इन्हें पढ़ के समझ के रखना, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक्स, बाय स्टूडेंट्स।